हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एक्सपर्ट नॉलेज। आज फ्रेंड्स हम इस वीडियो में एसएसबी हेड कॉन्स्टेबल और फ्रेंड एसआई के फिजिकल प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। जो लोग मेरे चैनल से अब तक नहीं जुड़े हैं, मेरे चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि आपको मेरे चैनल पर डेली करंट अफेयर्स और गवर्नमेंट जॉब की जितनी न्यूज होती है सभी आपको मेरे चैनल पर जरूर मिलेगी। जो लोग मेरे चैनल से अब तक नहीं जुड़े हैं, मेरे चैनल से जुड़ जाइए। एंड फ्रेंड्स, मैं आपका ज्यादा समय ना लेते हैं, वीडियो स्टार्ट करता हूँ। फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं हेड कॉन्स्टेबल एसआई रिक्वायरमेंट्स हैं। फ्रेंड्स, इसमें आपकी जो फोर स्टेज दी गई है, फ्रेंड्स आपके फर्स्ट स्टेज में आपका पीईटी पीएसटी डॉक्यूमेंटेशन होना है। एंड फ्रेंड्स, सेकंड स्टेज में आपका रिटन एग्जाम होना है। और फ्रेंड्स, थर्ड स्टेज में आपका मेडिकल एग्जाम होना है। और फ्रेंड्स, फोर्थ स्टेज में आपकी जो फाइनलिस्ट बनती है फ्रेंड्स, वो लग जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, आप यहाँ फर्स्ट में देख सकते हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, मतलब पीईटी। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, पीईटी विल बी कंडक्ट इन द फर्स्ट स्टेज फॉर ऑल द पोस्ट एससी एसआई एसआई विच कंसिस्ट ऑफ 3.2 किलोमीटर इन 14 मिनट्स। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, जिन लोगों ने एससी एसआई और एसआई का फॉर्म फिल किया हुआ है फ्रेंड्स, उनका जो फिजिकल होना है फ्रेंड्स, उनकी जो रेस है 3 किलोमीटर 200 मीटर होनी है। और फ्रेंड्स, उसके लिए आपको टाइम मिलेगा 14 मिनट का। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं, पीटी विल बी ओनली क्वालिफिकेशन इन द नेचर एंड इट विल नॉट कैरी एनी मार्क्स। फ्रेंड्स, इसका आपको फिजिकल के लिए कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका ओनली नेचुरल के लिए, मतलब जो होता है आपकी जो दंडता, जो आपका फिटनेस को मापने के लिए आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होना है ये। ठीक है, यहाँ पे नीचे देख सकते हैं, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है, मतलब फ्रेंड्स पीएसटी। फ्रेंड्स, इसमें जो आपका पीएसटी में होना है फ्रेंड्स, हाई चेस्ट वेट होना है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं, गरवाली, कुसुम, गोरखा, डोगरा, मराठा एंड कैंडिडेट बिलोंग्स टू सिक्किम, लेह, लद्दाख, कश्मीर, वेले, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, असम, इटिची एंड हिमाचल प्रदेश। फ्रेंड्स, जो पहाड़ी इलाके से बिलोंग करते हैं, जो मैंने अभी बोला है फ्रेंड्स, स्टेट के नाम बोले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उनकी जो हाइट है, उनकी जो मिनिमम हाइट है फ्रेंड्स, 165 होनी चाहिए। ठीक है, और फ्रेंड्स उनकी चेस्ट है 78 से 83 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और फ्रेंड्स, जो वहाँ के एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं फ्रेंड्स, उनकी जो चेस्ट है वो फ्रेंड्स 76 से 81 होना चाहिए। और जो फ्रेंड उनकी हाइट है 162.5 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। ठीक है, और फ्रेंड्स यहाँ पे नीचे देखिए, ऑल अदर कैंडिडेट्स फ्रेंड्स, जो ऑल कैंडिडेट बच गए फ्रेंड, मतलब जो जनरल से हैं, ओबीसी हैं, जो एससी से हैं, मतलब जो फ्रेंड्स पहाड़ी इलाके से बिलोंग नहीं करते हैं, जो वहाँ पे नहीं रहते हैं, उनके लिए जो हाइट है 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। जो उनकी चेस्ट है 80 से 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और फ्रेंड्स यहाँ बात कर लेते हैं वेट के बारे में, प्रोपोर्शन टू हाइट। फ्रेंड्स, जो आपका वेट है वो आपकी हाइट के हिसाब से होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपकी हाइट जो है 5 फुट 7 इंच है, तो आपके फ्रेंड्स मैक्सिमम आपके में वेट 60 होना चाहिए। ठीक है, मतलब फ्रेंड्स आपका वेट 50 से नीचे नहीं होना चाहिए, ऊपर से होना चाहिए। ठीक है, 50 से नीचे अगर आपका वेट है तो आपको बाहर निकाल दिया जाएगा, अगर आपका 50 से ऊपर वेट है तो आपको ले लिया जाएगा। ठीक है, फिजिकल में आपके बात कर लेते हैं फ्रेंड डॉक्यूमेंट्स के बारे में। फ्रेंड्स, आपका आपको जो थर्ड स्टेज है फ्रेंड, आपका डॉक्यूमेंट चेक हो जाएंगे। ठीक है, और फ्रेंड्स फोर्थ स्टेज में फ्रेंड, आपका जो पीएसटी एंड पीएटी डॉक्यूमेंट्स अलाउड टू अपीयर टू रिटन एग्जाम्स। फ्रेंड्स, आपका फोर्थ स्टेज में आपका एग्जाम हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आपका एग्जाम का आपको बता दूं मैं यहाँ पे पेपर वन के बारे में। फ्रेंड्स, आपको जो पेपर वन होगा फिर इसमें फ्रेंड्स आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, उसमें से फ्रेंड्स आपको जनरल नॉलेज मिलेगी वहाँ पे, न्यूमेरिकल एबिलिटी मतलब मैथ फ्रेंड्स, जनरल रीजनिंग, जनरल इंग्लिश एंड हिंदी। फ्रेंड्स, जनरल इंग्लिश एंड हिंदी में से फ्रेंड्स आप में से एक मिलेगा आपको। ठीक है, इनमें से आपको एक टिक करना है, इसमें से मतलब हिंदी कर लो, इंग्लिश कर लो, आपकी मर्जी होगी। ठीक है फ्रेंड्स, आपको एससी एसटी ओबीसी के लिए फ्रेंड्स आपको 45% में मार्क्स आने चाहिए, और जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं फ्रेंड्स, उनको 50 मार्क्स उनके होने चाहिए। ठीक है, और जो एक्स सर्विसमैन है और जो एससी एसटी है फ्रेंड्स ओबीसी है, उनके 45% मार्क्स होने चाहिए। फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं पेपर सेकंड के बारे में, द क्वेश्चन पेपर विल बी कंसिस्ट ऑफ 100 ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन। मैं आपको बता दूं, जो आपका सेकंड पेपर होना है उसमें आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, और फिर जो आपको जो आपने प्लस टू में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ा था उसके बेस पे आपका एग्जाम होना है वो, और जो इसमें जनरल कैटेगरीज को फ्रेंड्स 50% मार्क्स लेके आने हैं, एक्स सर्विसमैन और कैंडिडेट्स को, और जो एससी एसटी से ओबीसी से बिलोंग करते हैं फिर उनको 45% मार्क्स लेके आने हैं। ठीक है, और फ्रेंड्स फाइव स्टेज में आपका मेडिकल एग्जामिनेशन हो जाएगा और फिर आपकी फाइनलिस्ट लग जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होता है, मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब फ्रेंड जरूर कर दीजिएगा। और मैं आपको बता दूं, जो लोग मेरे चैनल से अब तक नहीं जुड़े हैं, मेरे चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि आपको मेरे चैनल पर डेली करंट अफेयर्स और फ्रेंड्स गवर्नमेंट जॉब की जितनी न्यूज होती है सभी आपको मेरे चैनल पर जरूर मिलेगी। तो जो लोग मेरे चैनल से अब तक नहीं जुड़े हैं, मेरे चैनल से जुड़ जाइए। एंड फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।